नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको FSSAI की जो साइट के बारे में बताया था, नई साइट के बारे में, तो आज मैं इस साइट पे आपको रिन्यूअल के बारे में बता रहा हूँ। रिन्यूअल किस तरह से हमें अपने जो है लाइसेंस को रिन्यू कराते हैं, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि नीचे इसमें दिया हुआ है रिन्यूअल फी, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर खुलेगा। इसमें आपको अपना लाइसेंस का नंबर डालना है, और यहाँ पे वैलिडिटी डेट डालनी है कब तक आपका वैलिड है, और यहाँ पे आपको ये नंबर कैप्चा जो दिया हुआ ये डालना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई देगा आपका लाइसेंस, जो आप जिस नाम से बना हो वो यहाँ पे दिखाएगा। आगे एक्शन के अंदर प्रोसीड का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यस सर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं अपलोड करने के लिए, तो आप इसमें डॉक्यूमेंट अपने पहले से ही PDF में स्कैन कर लीजिए। जैसे मैंने स्कैन कर रखे हैं अपने डॉक्यूमेंट सारे, जिस तरह के आपने चालान जो आपने फीस जमा कराई है वो, और उसके बाद आपने डिक्लेरेशन फॉर्म, और इसके बाद आपने एक और नॉमिनी फॉर्म, ये फॉर्म आपको यहीं पे मिलेगा, यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और डिक्लेरेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इनको फिल करके आपको PDF में स्कैन कर लेना है, उसके बाद आप इसको अपलोड करेंगे। अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसको व्यू करके देखना है, यहाँ पे व्यू करके देख लीजिए तो ये ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट डिक्लेरेशन अपलोड करनी है, अपलोड पे क्लिक करना है, व्यू करके चेक करना है आपको, ये ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब आप यहाँ पे देखिए आपने फीस कितने दिन की जमा करा रखी है, यहाँ पे कितने दिन के लिए आपको, कितने साल के लिए आपको रिन्यू कराना है। तो हमने जो ये रिन्यू के लिए कराई है 2 साल के लिए कराई है, 2 साल के जो फीस है 4,000 रुपये। उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो फीस है, इसमें ऑनलाइन का भी शायद इन्होंने ऑप्शन दे दिया है, लेकिन मैंने ट्रेजरी के द्वारा कराई है, तो मैं ट्रेजरी चालान पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे जो इस फीस की जो चालान की जो है डिटेल डालूँगा, जैसे कि मेरे पास ये चालान जो मेरा बना हुआ है, ये इसकी सारी डिटेल मैं यहाँ पे डालूँगा। जैसे कि अमाउंट है, अमाउंट कितनी है 4,000, ट्रेजरी चालान नंबर, ट्रेजरी चालान नंबर जो होता है ट्रेज चालान के ऊपर पेन से लिखा होता है, ये वाला ट्रेजरी चालान नंबर होता है। चालान डेट, कौन सी डेट में आपने चालान करवाया है, ये 28/7 का है। उसके बाद ये इसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे ले रखे है इसने डिटेल ऑफ एड, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई सब जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लिख दीजिए लाइसेंस फीस, उसके
उसके बाद आपको डीडी नंबर डालना है, चालान के ऊपर ही लिखा होता है डीडी नंबर। यहाँ पे ब्रांच नेम लिखना होता, ब्रांच कोड लिखना होता है, तो ब्रांच कोड भी आपको चालान के ऊपर ही लिखा मिल जाएगा। ब्रांच कोड जो स्टैम्प होती है, स्टैम्प के अंदर यहाँ पे ये लिखा होता है, ये ब्रांच कोड होता है, ये इसका जो डीडी नंबर है वो यहाँ पे होता है ऊपर, डीडी कोड। उसके बाद आपको चालान की कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। ऐड चालान पे क्लिक करना है, या यहाँ पे जो है चालान ये जो ऐड हो चुका है, इस पर प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रीव्यू एप्लीकेशन। तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस तरह से कुछ इसमें दिखाई देगा, एप्लीकेशन डेट, कर सकते हैं अगर प्रिंट करना चाहे तो, और नहीं भी करना चाहे तो ना भी कर सकते हैं। आगे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, ये हमारा जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और ये रिसीप्ट हमारी आ चुकी है ऑनलाइन। तो इसके आप एक या दो दो प्रिंट आप निकाल कर रख लीजिए। अब आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको क्या करना है इसके आगे, इसके बाद आप अपने यहाँ पे जो चेक कर सकते हैं, आपको एक रेफरेंस नंबर जो आया है आपकी रिसिप्ट के ऊपर, रेफरेंस नंबर लिखा आएगा, वो आप यहाँ पे डालोगे और सबमिट करोगे। तो यहाँ पे इसने स्टेटस दिखा दी, आपकी जो रिन्यूअल के लिए आपने अप्लाई किया है, पेमेंट कंफर्म हो चुकी है, लास्ट अपडेट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, इनके आपके पास जो ओरिजिनल कॉपी है जो आपने स्कैन करी है यहाँ पे, ये तीनों ये, और उसके बाद में आप उसके साथ में आपको एक लेटर, ऑथोरिटी लेटर और एक फॉरवर्डिंग लेटर लगाना है, बनाना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इस तरह की ये मैंने बना रखा है, ये ऑथोरिटी लेटर बना रखा है। तो ये ऑथोरिटी लेटर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि यदि आप कि किसी डिपार्टमेंट से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंपनी से हैं और आप किसी दूसरे बंदे को उसके लिए ऑथराइज कर रहे हैं सिग्नेचर करने के लिए, तो आप ये और 30 लेटर बना सकते हैं, दे सकते हैं। और उसके बाद आपको जो एक फ़ाइल तैयार करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ाइल में आपने रखना है, फाइल कवर आपने लेना है और उसके अंदर डाल के आपको ये इस तरह की एक फॉरवर्डिंग बनानी है आपको चीफ मेडिकल ऑफिसर के नाम। इसके आपने दो प्रिंट निकालने हैं और जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन हैड है उसके साइन करा के आप इसको फाइल को चीफ मेडिकल ऑफिसर में सबमिट के लिए सबमिट करोगे वहाँ पे जाके, और वहाँ पे आप एक कॉपी उसमें लगाओगे फॉरवर्डिंग की, तो एक पे आप वहाँ से रिसीविंग लेके आओगे, क्योंकि मान ले अगर बाद में उनसे कहीं कोई गुम हो जाए फाइल या कुछ हो जाए तो ये ना कह सकें कि हमारे पास तो फाइल आई नहीं। तो इसलिए इस लेटर की दो कॉपी निकालें और जब वहाँ पे आप सबमिट करके करने जाएं, फिजिकली वहाँ पे आपको सबमिट करके आनी पड़ेगी, तो जब वहाँ पे आप ये दे के आएंगे तो वहाँ से आप रिसीविंग ज़रूर लेके आए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसका कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और आपको इससे और कुछ इससे बारे में आपने पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।